सो गाइज, अगर आपने भी परचेज कर लिया कोई भी सी पी प्लस की तरफ से आने वाला वाईफाई कैमरा या फिर परचेज करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम के होने वाले हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप सी पी प्लस के किसी भी वाईफाई कैमरे को किस तरीके से अपने पी सी की लैपटॉप की स्क्रीन पर चला सकते हैं, देख सकते हैं, उसका लाइव फुटेज जो है वो देख सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं उनको पी सी पे या बड़ी स्क्रीन पर देखना होता है, तो उस केस में ये जो मेथड है बहुत काम आने वाला है। और गाइस, अगर आपने कोई भी वाईफाई कैमरा परचेज़ किया है, जैसे कि E21A, E31A, E28A, E34A या E25A, तो बहुत सारे मॉडल आते हैं सी पी प्लस के। तो अगर मॉडल की बात करो तो मेरे ख्याल से 15-20 मॉडल अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन उनमें से कोई भी मॉडल आपने ले रखा है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए अगर आप उसको पी सी पे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है सी पी प्लस का ही एक वाईफाई कैमरा, जिसका मॉडल नंबर E35A ये वाला, और ये 3 मेगापिक्सल कैमरा है। गाइस, इस कैमरे की एक थोड़ा सा मैं स्पेशलिटी आपको बता देता हूँ कि ये जो कैमरा है ना 3 मेगापिक्सल का है, और इसका जो प्राइस है ना वो 2 मेगापिक्सल के कैमरे से बहुत कम है। अमेज़न पे अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ वहाँ पे ये कैमरा आपको 1300 के अंदर देखने को मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूँगा, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और गाइस, अब चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से आप इसको पीसी पे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको एक बार कनेक्ट कर लेते हैं अपने फ़ोन पे। फ़ोन पे कनेक्ट करना तो आपको आता होगा, नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए हम इसको डायरेक्ट फ़ोन पे कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको पीसी पे कनेक्ट करके दिखाऊंगा। हालांकि मेरे चैनल पे और भी वीडियोज़ हैं जो कि मैंने पहले भी बनाए रखी हैं E21A, E25A, इन कैमरों को लेके कि किस तरीके से पीसी पे कनेक्ट करते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, और सेम ऑलमोस्ट सेम वीडियो होने वाली है, बस यहाँ पे मॉडल चेंज है। क्योंकि बहुत से लोगों ने इसको परचेज़ किया है, तो हो सकता है वो डायरेक्ट इसका मॉडल नंबर डाल के सर्च करते हो, इसलिए मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ दोबारा से। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, सबसे पहले फ़ोन पे कनेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइस, मेरे मोबाइल में तो ये कनेक्ट हो चुका है, मैं एक बार आपको इसका फुटेज दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है और आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा इसको रोटेट भी कर लेते हैं हल्का फुल्का, अभी मैं आपको देखिए रोटेट भी हो रहा है और सब ठीक है यहाँ पर। चलिए, तो अभी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आप अपने पीसी में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये एक मेमोरी कार्ड है, इसको लगा देते हैं और जब तक थोड़ा सा रिकॉर्डिंग भी होने लगेगा, उसके बाद में ये भी चेक करेंगे कि हम इसको पीसी पे लगा के रिकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं या नहीं। तो एक बार हमें इसको अपने जो कैमरा है उसको ऑफ करके ऑन करना होगा, एक बार हम इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि तभी मेमोरी कार्ड वर्क करेगा। एक बार आपने ऑन ऑफ इसको ज़रूर करना होगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। तो देखिए कार्ड भी किस तरीके से लगता है, ये जो पिन वाला जो पिन वाला जो फेस है वो अपसाइड होना चाहिए कैमरे के साइड में, तो ये इस तरीके से लग गया है। जब तक ये स्टार्ट हो रहा है तब तक हम क्या करते हैं कि हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर ना सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र है जो है ओपन करना होगा, गूगल क्रोम ब्राउज़र, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर इस तरीके से देखिए टाइप करना होगा। टाइप करने में देखिए क्या होगा कि मैं आपको ये एक कमांड है जो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, easycam.cpplus.cloud.com/login। तो ये वाली जो कमांड है ये मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा आपके नीचे डिस्क्रिप्शन पे, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वहाँ से आप इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे अपने क्रोम ब्राउज़र पे, तो बहुत इजी आप इसको वहाँ पर सर्च कर पाएंगे, जब आपको ज़्यादा कोई भी प्रॉब्लम करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो एक बार इसको आपने कर देना है एंटर। एंटर करने के बाद में देखिए इस तरीके से सिंपल एक आपको विंडो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये विंडो आपको देखने को मिल रही है, और ये है हमारा कैमरा भी यहाँ पर, ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आपको अब क्या करना है। अभी देखिए आपको ना यहाँ पर दिख रहा होगा जो आपकी एप्लीकेशन है, फ़ोन की एप्लीकेशन वो है ये, इसमें आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो आपके कैमरे का नाम आता है ना ऊपर, और नीचे यहाँ पर मी का ऑप्शन आता है। आपको यहाँ पर ऑप्शन पे जाना है और आपको यहाँ पर बैटरी का जो साइन होता है, जो अपने फ़ोन में बैटरी का साइन होता है राइट साइड में, उसके नीचे आपको स्कैन करने के लिए स्कैनर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपने देखिए जैसे स्कैनर का ऑप्शन खुलता है तो आपने उसको स्कैन कर लेना, ये वाला स्कैन वाला क्यूआर कोड। मैंने जैसे इसको ओपन किया इसने फटाफट से उसको स्कैन कर लिया, तो ये इस तरीके से हो गया। और अभी कंफर्म लॉगिन आपको यहाँ पर करना है, तो कंफर्म लॉगिन जैसे ही मैं यहाँ पर करूँगा तो देखिए मेरा जो यहाँ पर है ये वाला फ़ोन में जो स्क्रीन है आपको दिख रही होगी इस तरीके से हो जाएगी, और मेरे जो पीसी है पीसी की स्क्रीन आपको इस तरीके से नज़र आ रही होगी अभी,
तो देखिए यहाँ पर ना जैसे ही मैंने इसको स्कैन करके कनेक्ट किया तो यहाँ पर जो मेरा दूसरा भी एक कैमरा है वो भी जो मेरी आईडी पे चढ़ा हुआ था वो भी यहाँ पर शो हो गया आपको, और ये वाला जो कैमरा है ये भी यहाँ पर शो हो गया। ठीक है, अभी तो अभी देखिए ये जो कैमरा है CP-E35A, ये यहाँ पर ग्रीन साइन में है, इसका मतलब ये एक्टिव है, और ये दूसरा जो कैमरा CP-V48 है ये रेड साइन में है, इसका मतलब ये ऑफलाइन है या फिर बंद पड़ा होगा कैमरा। तो ये वाला हमें डबल क्लिक अभी करना है, अभी थोड़ा रीट्राई यहाँ पे करते हैं। रीट्राई करने के बाद में अभी मैं साउंड इसकी ऑफ कर देता हूँ, और देखिए आपको यहाँ पर पूरा शो हो रहा होगा कि कैमरा जो है वो कनेक्ट हो चुका है। और अभी देखिए कैमरे को ना आप यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन भी बता देता हूँ। देखिए कैमरा तो कनेक्ट हो गया इजी इस तरीके से, बहुत इजी मेथड है। अब थोड़े से कुछ ऑप्शन भी इसमें आ जाते हैं आपको ऑन स्क्रीन, तो वो किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं देखिए यहाँ पर, ये आपको नेविगेशन पर अब जो बार है वो नज़र आ रहा है, तो आप इसको यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि कैमरा भी आपका पैन कर रहा है। ऑल राइट, अब आपको ये अप डाउन भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये अप कर रहे हैं और ये यहाँ पर डाउन कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अप डाउन और राइट लेफ्ट, पैन और टिल्ट, जहाँ भी आपको करना है। ओके, तो ये रहा इस तरीके से। और अभी मैं आपको कुछ और भी ऑप्शन दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें जो मेमोरी कार्ड है वो इंसर्ट कर दिया है, तो वो भी देखते हैं कि क्या ये फुटेज हमें दिखा सकता है या नहीं। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले देखते हैं इसको मैक्सिमाइज़ करने के बाद किस तरीके से आपको शो होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमाइज़ करने का ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस तरीके से देखिए मैक्सिमाइज़ हो गया, और जो एक फुटेज है वो आपको इस तरीके से दिख रही है। आप थोड़ा सा आइडिया भी लगा सकते हैं कि इस कैमरे की क्लियरिटी वगैरह कैसी है, ये मिनिमाइज़ यहाँ पर कर लिया। उसके बाद में ना यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि विंडो आप 4 पार्ट में कर सकते हैं, अगर आपने एक से ज़्यादा कैमरे लगाए हुए हैं 2, 3, 4 भी आपके कैमरे यहाँ पर आ जाएंगे, और उससे ज़्यादा 8 करना है तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो वन टाइम में 8 कैमरा जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से, और कोई दूसरा कैमरा है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, या कोई सिंगल कैमरा है वो इस तरीके से। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए साउंड का मैं दिखाया था आपको, साउंड मैंने अभी इसको जो ऑन किया हुआ है वो मुझे ऑफ करना होगा। देखिए यहाँ से भी आप साउंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए उसके बाद में अभी यहाँ पर क्या आया था, अगर दूसरा डिवाइस आपने लगा रखा है तो दूसरे डिवाइस का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन वो अभी डिसकनेक्ट है, इसको भी बंद कर देते हैं। अभी यही वाला डिवाइस हमारा एक्टिव है तो इसको अभी ऑन रखते हैं, म्यूट कर देते हैं। और देखिए यहाँ पर ना कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको, लाइव व्यू, क्लाउड सर्विस और रिप्ले, तो इसको भी चेक करेंगे। और उससे ऊपर देखिए यहाँ पर इंग्लिश और ये लैंग्वेज भी चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो हम तो इंग्लिश ही रखेंगे यहाँ पे, बाकी लॉग आउट और ये लॉग इन वगैरह का ऑप्शन यहाँ पर है ही, जो आपने जिस आईडी से लॉग इन किया है। और देखिए इसमें आपको क्लाउड सर्विस तो अभी आपके पास यहाँ पर नहीं है, नो क्लाउड सर्विस प्लीज़ परचेज इन द ऐप, तो कुछ परचेज़ करने के लिए बोल रहा है बट वहाँ पर वो अवेलेबल नहीं होती है। अभी रिप्ले देख लेते हैं, देखिए मैंने इसके अंदर मेमोरी कार्ड डाल लिया था तो रिप्ले मुझे मिलना चाहिए। हाँ जी मुझे मिल रहा है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर आपके सामने जो है इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ, लेकिन कैमरे में नहीं शो रहा, तो ये हमारे मेमोरी कार्ड की ही रिकॉर्डिंग है। देखिए रिप्ले में देखने कितना इजी हो जाता है, यहाँ पर आपका रिप्ले का आप ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद में यहाँ पर आपका जो डेट है वो यहाँ पर आ जाती है, जो भी डेट आपने सेलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड अभी डाला गया है तो ज़्यादा पीछे की डेट का शो नहीं करेगा, बाकी आप यहाँ पर टाइम का जो बार है उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपने टाइमिंग यहाँ पर डालनी है। देखिए जो टाइमिंग आपने डाली होगी उसके नीचे ना ब्लू कलर का इस तरीके से बार नज़र आएगा आपको, आई होप कि आपको कैमरे में ठीक से नज़र आ रहा है, अगर आ रहा होगा तो देखिए ब्लू कलर का जो बार है इसको आपने सेलेक्ट करना है, वहाँ पर आप इसकी रिकॉर्डिंग ले सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया, रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, मैक्सिमाइज़ कर लो रिकॉर्डिंग को, ओके, और ये मिनिमाइज़ कर लो और कैमरा सेलेक्ट कर लो इस तरीके से। ये है पूरा पूरा इसका जो मेथड है किस तरीके से चलाना होता है। अब गाइज एक इम्पॉर्टेंट बात और, कि यहाँ पर जैसे आप इसको देख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको यहाँ पर बंद कर देंगे तो ये पूरा ही क्लोज हो जाएगा, और उसके बाद में फिर से आपको यही सारा प्रोसेस करना होगा, स्कैनर वगैरह करना होगा।
तो वो चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगी आपको। तो गैस यहाँ पर मैं एक आपको सजेशन देना चाहता हूँ कि जब आपने एक बार इसको प्ले कर लिया हो और आपका कैमरा यहाँ पर चलने लगे ना, तो आप क्या करना है, यहाँ पर इसको बुक मार्क कर लेना। तो जैसे आप इसको बुक मार्क करेंगे ना, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम कभी ये आपका आप इसको कैंसिल करते हैं और उसके बाद में आपने इसको प्ले करना है, तो आपको दोबारा से सारा कुछ करना ना पड़े। आप सिर्फ अपने ऑल बुक मार्क पे जाइए और जहाँ पर भी ये आपका जो कमांड है वो आपको अगर देखने को मिले, जो आपने बुक मार्क किया उसको आप ओपन करेंगे, तो इस तरीके से सीधा आपका जो डिवाइस है खुल जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ईजी हो जाने वाली है आपके लिए, बस इसी चीज़ का ध्यान रखें। डायरेक्ट कैंसिल करने से पहले बुक मार्क जरूर कर लें, ये चीज़ कई लोग नहीं करते होंगे तो उनको प्रॉब्लम आती होगी। सो गाइस यहाँ तक आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको चलाना बहुत ईजी है। बाकी मेरे चैनल पे और भी वीडियोज़ हैं, दूसरे जो कैमराज है मैंने उनकी भी डाली हुई है, बट सी पी प्लस के सभी कैमरों का मेथड सेम होता है। जो वाईफाई वाले होते हैं, जो इजी कैम प्लस ऐप से कनेक्ट होते हैं, सेम मेथड होता है, आप किसी भी कैमरे का यूज़ करें बहुत इजी होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप उसको टाइप करके डाल रहे होंगे, बट टाइप करके नहीं, जो मैंने नीचे दिया हुआ है इसकी पूरी कमांड लिखी हुई है आपने वही कॉपी करना और डालना है, बहुत ईजी से आपका ये काम हो जाएगा और आपका काम बन जाने वाला है। तो गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।